कल राजस्थान का बजट आने वाला है, ऐसे में जानना यह बहुत जरूरी कि आपके लिए इस बार बजट में क्या कुछ हो सकता है, बजट में आपके काम की बात क्या हो सकती है। कल गहलोत सरकार का बजट आने वाला है। गहलोत सरकार के पहले बजट को लेकर कर्मचारी कई सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार वेतन कटौती वापस लेने, खत्म किए पदों पर सृजन करने, वेतन विसंगति दूर करने का फैसला कर सकती है। कर्मचारियों की कई मांगों को लेकर कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र में वादे भी किए गए थे। कर्मचारी नेताओं से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा ने। हम सरकार से आशा करते हैं नई भर्ती हो और अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को पूर्ण से इनको मान सम्मानजनक तरीके से जो वेतन बहाली हो और वेतन कटौती नहीं हो। हम सरकार से आशा अपेक्षा रखते बजट में घोषणा करी और शीघ्र से शीघ्र उनका नियमितकरण के आदेश जारी करवाई। 2004 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको आज एनपीएस दिया जा रहा है, न्यू पेंशन स्कीम, उससे उनका भविष्य खतरे में है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें भी ओपीएस, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जिससे कि कर्मचारियों का भविष्य है वो सुरक्षित रहे। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा जो मृतक आश्रित राज्य कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी टंकण परीक्षा को समाप्त कर आरएससीआईटी को लागू किया जाए ताकि उनके वेतन स्थिरीकरण तय हो जाए। तो गहलोत के बजट को लेकर हर वर्ग के लोग कुछ ना कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। कामकाजी और घरेलू महिलाओं को भी गहलोत सरकार से कई उम्मीदें हैं और भरोसा भी है कि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। एजुकेशन सिटी कोटा में जी मीडिया संवाददाता ने महिलाओं से बजट पर बातचीत की, उनका कहना क्या था सुन लेते हैं। उम्मीदें यही है कि जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है सब्जियों पर, वेजिटेबल पर, तो उसमें थोड़ा हमको रिलीफ मिले। क्या हर साल स्कूल में कुछ ना कुछ फीस बढ़ती जा रही है, तो मैं गवर्नमेंट से बोलूंगी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं कम से कम कुछ बजट ऐसे फिक्स करें कि स्कूल में हर साल जो फीस बढ़ी बच्चों के लिए वो ना बढ़े। सोलर इम्प्लीमेंट पे ध्यान देना चाहूंगी, सोलर के प्लांट्स लगाए जाएं जिससे बिजली का बिल बचे तो वो पैसा घर में कुछ यूज आए।